सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज तुरंत पाने के लिए। निष्ठा ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए दीक्षा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन इस प्रकार करें। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निष्ठा प्रशिक्षण भी अब ऑनलाइन दीक्षा पोर्टल ऐप पर होने जा रहा है। इस संबंध में पहले भी आदेश जारी हो चुके हैं, साथ में अब एक और आदेश जारी हो चुका है। साथ में दोस्तों, वो आदेश दिखाने के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप निष्ठा प्रशिक्षण के लिए दीक्षा ऐप पर रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करेंगे। पहले दोस्तों बात कर लेते हैं आज के आदेश की। आज का जो आदेश जारी हुआ है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से, जिसमें प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों और संस्था प्रधानों के ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण हेतु पंजीकरण एवं तकनीकी दिशा निर्देशों के संबंध में एक आदेश जारी हुआ है, जिसके अंतर्गत आपको कैसे करना है, क्या करना है, वो दोस्तों मैं आपको वापस यानी मोबाइल के स्क्रीन के थ्रू आपको करके दिखाऊंगा कि आप अपना लॉग इन विथ स्टेट सिस्टम किस प्रकार करेंगे, अपने साथ ही अपने नाम की प्रोफाइल है वो किस प्रकार बनाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 15 अक्टूबर तक पूर्ण किया जाना अनिवार्य है पंजीकरण का कार्य, यानी आपको रजिस्ट्रेशन 15 अक्टूबर से पहले पहले करना है। 16 अक्टूबर से आपका कोर्स है वो प्रारंभ हो जाएगा। निष्ठा प्रशिक्षण है वो दीक्षा ऐप पर समय समय पर इसके लिए मॉड्यूल भी जारी होते रहेंगे। साथ में दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात है वो है कि शाला दर्पण के प्रपत्र 10 में शिक्षक प्रशिक्षण के में निष्ठा प्रशिक्षण पूर्ण करने की जानकारी को अविलंब अपडेट करवाया जाना सुनिश्चित करें। सभी शिक्षकों के लिए है शाला दर्पण पर जिन्होंने निष्ठा प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है उनको अविलंब अपडेट करना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं एक और बात बता दूँ कि समस्त 18 मॉड्यूल प्रशिक्षण निश्चित समय सीमा में पूर्ण करने हैं आपको, और उसके बाद जनवरी तृतीय और अंतिम सप्ताह में कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा। इसके पश्चात निष्ठा का प्रशिक्षण पूर्णता प्रमाण पत्र दीक्षा पोर्टल के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। ये तो ही दोस्तों आदेश की बात। अब आप कर लेते हैं आपको रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करना है दीक्षा पोर्टल ऐप पर। दीक्षा पोर्टल ऐप पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, चाहे निष्ठा के लिए कर रहे हैं या दीक्षा के लिए कर रहे हैं, यानी अभी जो ट्रेनिंग है चल रही है दीक्षा प्लेटफॉर्म पर वो कक्षा 1 से 5 और 9 से 12 के लिए अभी फिलहाल चल ही रही है। साथ में दोस्तों अब आपको निष्ठा प्रशिक्षण भी दीक्षा ऐप के माध्यम से दिया जा रहा है, तो उनका लॉगिन प्रोसेस है, अपने नाम की प्रोफाइल बनाने का प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम डिटो वही है जो पहले की तरह है। इसके लिए आपको दोस्तों एक वीडियो देखना पड़ेगा जो मैं आपको अभी शुरुआत में ही दिखा देता हूँ। नमस्कार साथियों, आज हम एंड्रॉइड फोन में दीक्षा ऐप को इंस्टॉल करना व लॉगिन करके किस प्रकार ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए सबसे पहले गूगल के प्ले स्टोर को ओपन करके सर्च बार में दीक्षा DIKSHA लिखकर सर्च करेंगे। सर्च करने पर सबसे ऊपर दीक्षा के लोगो वाला NCERT व MHRD लिखा हुआ एक ऐप दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड करके अपने फोन में इंस्टॉल करेंगे। ये लगभग 11 MB का एक छोटा सा ऐप है। इसे ओपन करने पर यह भाषा के चयन का विकल्प देता है, जिसमें हम हिंदी, अंग्रेजी या अन्य किसी एक भाषा का चयन इस ऐप के संचालन हेतु कर सकते हैं। इसके पश्चात आपको शिक्षक, विद्यार्थी या अन्य में से शिक्षक की भूमिका का चयन करना है। इसके पश्चात बोर्ड में राजस्थान का चयन करना है। माध्यम में हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत में से किसी एक अथवा एक से अधिक का चयन किया जा सकता है। इसी प्रकार कक्षा में भी एक या एक से अधिक कक्षाओं का चयन जिनमें आप अध्यापन कार्य करवाते हैं किया जा सकता है, और सबमिट बटन दबाकर कंटिन्यू अथवा जारी रखे पर स्पर्श करें। इसके बाद सब्जेक्ट चयन का पॉपअप विंडो खुलता है, जिसे बंद करके अब हम अपने फोन में दीक्षा ऐप को पूरी तरह से इंस्टॉल कर चुके हैं। अब नीचे दाएं कोने में प्रोफाइल टैब पर स्पर्श करेंगे तो हमें नीले रंग का लॉगिन का टैब दिखाई देगा, जिस पर स्पर्श करने पर हम दीक्षा के लॉगिन पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां लॉगिन के एक से अधिक विकल्प है, अतः हमें ध्यान रखते हुए हरे रंग के टैब जिस पर लॉगिन विद स्टेट सिस्टम लिखा है को ही स्पर्श कर लॉगिन की प्रक्रिया प्रारंभ करनी है। अब हम राज्य में राजस्थान का चयन करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हम शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां हमें अपनी शाला दर्पण की ID और पासवर्ड लिखकर नीचे दिए गए कैप्चा को भरकर लॉगिन पर स्पर्श करना है। अब हम फिर से दीक्षा के पेज पर आ जाएंगे, जहां हमें अपने मोबाइल नंबर लिखकर चेक बॉक्स में टिक मार्क करके दीक्षा के नियम व शर्तों की पालना की स्वीकृति देनी होती है, और सबमिट बटन दबाकर अपने मोबाइल नंबर पर आए OTP को लिखकर सबमिट OTP को स्पर्श करने पर दीक्षा पर लॉगिन की प्रक्रिया
पूर्ण हो जाती है। होंगे दोस्तों, आपको अपने नाम की प्रोफाइल किस प्रकार बनानी है, आपको रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करना है। साथ में दोस्तों यहाँ पे वीडियो के लास्ट में एक और स्क्रीन आ जाएगी दीक्षा ऐप के बारे में जानने के लिए, तो वो भी वीडियो देख लें, आपको अच्छी तरह से मालूम चल जाएगा आप अपने नाम की प्रोफाइल किस प्रकार बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करेंगे, ओटीपी किस प्रकार डालना है, यानी मोबाइल नंबर कैसे रजिस्टर करना है, सारी की सारी जानकारी दी हुई है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।